हेलो एवरीवन, तो 11 नवंबर 2020 के न्यूज़ स्टोर्स पर नज़र डालते हैं। कोरोना के वर्ल्ड वाइड केसेस 5,15,95,737 हो चुके हैं। इंडिया के टोटल केसेस 86,36,011 हो चुके हैं, जिनमें से 44,281 केसेस 24 आवर्स में रजिस्टर हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अर्नब गोस्वामी को एंट्री बेल दे दी है। पीएम मोदी ने आज बीजेपी हेडक्वार्टर पर पार्टी वर्कर्स को एड्रेस किया। बिहार के इलेक्शन में जो जीत हुई है उसकी खुशी में कलकत्ता हाईकोर्ट ने और दिल्ली गवर्नमेंट ने छठ पूजा को बैन किया है अक्रॉस वेस्ट बंगाल और दिल्ली पब्लिक प्लेसेस में। पंजाब और हरियाणा में की हाई कोर्ट में प्ली कर की गई है चंडीगढ़ में जो फायर क्रैकर्स को बैन किया गया है उसके अगेंस्ट। दिल्ली गवर्नमेंट ने एक्सटेंड की है जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं मोटर व्हीकल एक्ट से रिलेटेड उनकी वैलिडिटी को 31 दिसंबर तक के लिए। रशिया के अनुसार स्पुटनिक वी वैक्सीन जो है वो 92% इफेक्टिव है कोरोना वायरस के अगेंस्ट। दिल्ली ने अपना रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ कैंपेन 31 दिसंबर तक के लिए एक्सटेंड किया है। अरविंद केजरीवाल ने डॉक्टर हर्षवर्धन से रिक्वेस्ट की है कि कोविड बेड्स जो है दिल्ली में उनकी संख्या बढ़ाई जाए। नीतीश कुमार जो है प्रोबेबली सीएम रहेंगे बिहार के बीजेपी प्रेसिडेंट के अकॉर्डिंग। मुंबई इंडियंस ने कल आईपीएल में दिल्ली के अगेंस्ट जीतकर आईपीएल की ट्रॉफी जीती। थैंक यू सो मच।